मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज के खास खबर में आपको बताएंगे, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जो चर्बी मिलाने का मामला सामने आया है उस पर आज हम बात करेंगे। भारत जो एक सेक्युलर लिबरल लोकतांत्रिक गणराज्य है, इस गणराज्य में कैसे एक धर्म विशेष के लोगों को बहुल होने के कारण सत्ता द्वारा सताया जाता है, उसका एक उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रबंधक समिति TTD द्वारा भक्तों के प्रति किया गया अक्षम्य अपराध है। बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। सबसे पहले आप हमें बताइए कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में अशुद्धि का क्या मामला है। तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखें, ये जो है मामला जो है पूरा कुछ ऐसा है कि अभी जो है कुछ दिन पहले जो है आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ, सरकार में जो है बदल गई वहाँ की आंध्र प्रदेश की सरकार। तो उसके बाद से जो है कुछ अनियमितता पाई गई थी TTD के द्वारा। जो TTD का मतलब है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ये एक बॉडी है। अच्छा, तो ये जो है वो देख रेख करती है, तो उसके द्वारा जो है कुछ अनियमितता पाई गई थी। तो इसको मद्देनजर जो है वर्तमान सरकार ने जो है एक टेस्ट करवाया कि प्रसाद में क्या है नहीं है, तो उसमें जो सामग्रियां दी जा रही है क्या वो शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसका जो एक टेस्ट का रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आप देखेंगे ठीक है। तो उस रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें जो है घी की जगह जो है मछली का तेल, गाय की चर्बी और इसी तरह से अन्य जो जानवर हैं उनकी जो चर्बी होती है उनका जो तेल है वो इस्तेमाल किया गया प्रसाद को तैयार करने में। अब ये जो मामला है एकदम से जो है कि भक्तों के प्रति जो किया गया है वो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है ठीक है। ऐसा किसी भी आस्था के साथ नहीं होना चाहिए ठीक। उसमें भी बालाजी के जो भक्त होते हैं वो शुद्ध सात्विक भक्त होते हैं ठीक, तो उनके लिए तो ये एक तरह से जो है घोर पाप जैसा हो गया ये प्रसाद खाना। तो ये केवल भक्तों के प्रति किया गया अपराध ही नहीं है, जो है उनमें आस्था रखने वाले जो जितने भी श्रद्धालु हैं ये उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है TTD के लोगों ने, TTD ने और जो है आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार ने, जगनमोहन रेड्डी की पूर्व सरकार ने। मंदिर का प्रबंधन TTD के हाथ में क्यों है, श्रद्धालुओं के हाथ में क्यों नहीं है? अब देखें, ये जो चीज़ है कि आपने जैसे कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है, तो उसमें स्वाभाविक लगता है कि सचमुच जो है मतलब जिस तरह से चर्च जो है वो क्रिश्चियन के हाथ में है, चर्च का प्रबंधन, मस्जिद का प्रबंधन जो है मौलवियों के उलेमाओं के हाथ में होता है, या फिर उनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स होते हैं उनके हाथ में होता है। यहाँ तक कि हमारे जो सिख भाई लोग हैं उनका भी जो जितना भी गुरुद्वारा है उनका प्रबंधन जो होता है वो SGPC के हाथ में है ठीक है। लेकिन भारत में जितने भी मंदिर है उसका प्रबंधन जो है, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उसका प्रबंधन जो है हिंदुओं के हाथ में नहीं है। श्रद्धालु जो पुजारी रहते हैं मंदिर में, जो भगवान को भोग लगाते हैं, उनके हाथ में नहीं है। उनका प्रबंधन जो है ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका एटीट्यूड, जिनका रवैया, जिनका व्यवहार, जिनके सोचने समझने का तरीका जो है एकदम सेक्युलर है ठीक। जिनकी भगवान में, जिनकी ईश्वर के होने में जरा भी आस्था नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में है। तो ये सचमुच में एक जो है बड़ी विकट जो है समस्या है ये हिंदुओं के साथ में। ये जो है इसका इतिहास जो है कॉलोनियल इतिहास है, एक औपनिवेशिक इतिहास है, जिसको कि जो है अंग्रेज़ों ने जो है पहले तो मुग़लों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों को जो अपने अंदर रखने के लिए, उसकी मानसिकता पर कब्जा करने के लिए ठीक, उसके जो है मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं वो केवल जो आस्था के केंद्र नहीं है, वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जितने भी विषय होते हैं जीवन के, मनुष्य जीवन के से जुड़े हुए, उन सबको रेगुलेट करने की संस्था है। तो उस व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए हिंदू की जो वैदिक सनातन परंपरा होती है, जीवन जीने की जो पद्धति होती है, उसको बर्बाद करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को जो है कब्जा किया गया। और आज भी सेक्युलर इंस्टीट्यूशन जो है इसको जो है अपने कब्जे में रखना चाहती है, और सरकार को जो है इससे बहुत टैक्स मिलता है, फ़ायदा होता है। इस वजह से जो है ये
सरकार है चाहे जिसकी भी हो जिस भी पार्टी की हो, वो जो है हिंदुओं के मंदिर को अपने कब्जे से मुक्त करना नहीं चाहती है। किसी अन्य आस्था वाले लोगों को मंदिर के ट्रस्ट में स्थान कैसे दिया जा सकता है? मुझे देखे ये बिल्कुल ये उसी से जुड़ा हुआ एकदम विचित्र सा सवाल है कि आप जो है एक धर्म विशेष को जो दुर्भाग्य से कहे या सौभाग्य से कहे इस देश का एकमात्र बहुल है ठीक धार्मिक पहचान के कारण, तो वो हिंदू है और हिंदू के साथ में धार्मिक जो है इतना भेदभाव होता है, इतनी जो है एक तरह से कहे कि उसकी प्रताड़ना हो जाती है। इसलिए सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो जो है भारत में बहुल है, उसकी संख्या जो है सबसे अधिक है, तो जैसे होता है ना कि कहा जाता है कि मेजोरिटी को जो है उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके चलना चाहिए, सिमुलेट करके चलना चाहिए, सबको मिला जुला के चलना चाहिए। तो इसको जो है उस सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए जो कि संविधान के मूल भावना के एक तरह से जो उसका जो प्रियम्बल था उसको बाद में संशोधित करके डाला गया है ठीक, उसको अब बचाने के लिए बचाए रखने के लिए हिंदुओं को जो है बहुत सी त्याग करनी पड़ती है, बहुत सा बलिदान देना होता है। उसमें से एक बलिदान ये भी मांगा जाता है कि आप अपने मंदिरों के प्रबंधन को छोड़िए और उसमें से अगर कुछ लोग जो है अन्य आस्था वाले आ जाते हैं तो आपको आप जो है सहिष्णुता के नाम पे ठीक उसको जो है मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे अपने इसमें समा लीजिए ठीक। इससे जो है हमारे देश का भाईचारा बढ़ता है, हमारे देश की विविधता बढ़ती है, तो उसमें जो विविधता में एकता का जो ये परिचायक होता है या उससे पता चलता है इसका। तो इसमें दिक्कत ये नहीं है कि मतलब इससे कि जो है आ गए तो फिर ये इससे विविधता का पता चलता है, सही बात है ठीक है चलता है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब इसी तरह से कोई अन्य आस्था वाला व्यक्ति भगवान में आस्था ना होने के कारण जो आंतरिक घृणा है उसकी अंतर्निहित घृणा है ठीक वो जब बाहर आती है तो इसी तरह से बाहर आती है कि वो चर्बी मिला देते हैं, प्रसाद में चर्बी मिला देते हैं और क्या है कि वो उसमें आप सोचिए कि हिंदू जो है हिंदू के लिए गाय सबसे पवित्र है, गाय को माता मानते हैं हिंदू सभी, और उसके बाद भी जो है वो जो है कि उसकी चर्बी मिला दे रहे हैं प्रसाद में, कोई सामान्य तरह की अशुद्धि होती है तो जो फिर भी समझ में आता है, पर ये जो अशुद्धि है अब धार्मिक आस्था को देख के अब केंद्र में रखें तो एक तरह से गौ हत्या का पाप लगेगा जिन लोगों ने भी ये खाया है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा जिन लोगों ने भी ये खाया, तो इसके उत्तरदायी कौन होंगे? क्या जो ये जो अन्य आस्था वाले लोग हैं तो ये हिंदुओं को सोचना होगा, हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं उनको डटकर सामने आना होगा, उनके भीतर की जो भय है भीतर में जो एक दौर्बल्यता घुस चुकी है उसको त्यागना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा हिंदू के जनमानस को अपनी आस्था के लिए अपने आराध्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से किसी गैर हिंदू को हिंदू मंदिर के या उससे जुड़े किसी भी प्रबंधन में अन्य आस्था वाले लोगों का कोई जगह नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितने ही जो है सेकुलर हों, कितने ही अच्छे हों, कितने ही भक्त हों ठीक, जब तक कि जो है वो अगर वो हिंदू नहीं है तो उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वो भक्ति करे अच्छी बात है, आस्था रखे अच्छी बात है ठीक, तो लेकिन इसके लिए जो है उसको उदारता दिखाते हुए प्रबंधन में नेतृत्व में या फिर ऐसे जगह पे नहीं देना चाहिए जहाँ की वो ऐसा डिसीजन ले सके जिससे कि बहुत बड़ा वो परिवर्तन कर सके, बहुत बड़ी जो है वो साजिश रच सके। इस तरह के स्थान में इस तरह के दायित्व में किसी भी गैर आस्था वाले लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।